फ्रेंड्स वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिटेल सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो हमें शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी जो है हमें बहुत अच्छा रिटर्न देने का जो है पोटेंशियल रखती है। कंपनी जो है लार्ज कैप की है, इस कंपनी में अच्छी खासी जो है गिरावट आ रही है और ये टाइम जो है हमें इस कंपनी में एंट्री करने का जो है परफेक्ट टाइम है। कंपनी ने जो है मंथली चार्ट पर बहुत ही अच्छा जो है सपोर्ट लिया है और आने वाले दिनों में ये कंपनी अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन, फिर जानेंगे कंपनी का हम नाम और उसके बाद देखेंगे चार्ट्स पर कि कंपनी किस तरीके से सपोर्ट ले रही है और वो कौन से लेवल्स होंगे जहां पर हम इस कंपनी में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट कैप, देखिए आप 78,959 करोड़ का है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनी है, रिटेल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। करंट प्राइस देखिए आप 1,265 रुपये का चल रहा है, 52 वीक हाई जो बनाया इसने 1,698 रुपये का बनाया है, 52 वीक लो बनाया है 1,125 रुपये का। और डिविडेंड अभी देती नहीं है लेकिन कुछ ही सालों में जो है देना भी स्टार्ट कर देगी। सबसे अच्छी बात है फेस वैल्यू 10 की कंपनी है, जो लोग फेस वैल्यू 10 की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं वो लोग इस कंपनी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर भविष्य में कभी स्प्लिट होती है, अगर आपके पास अगर 10 से 1 में भी स्प्लिट होती है और अगर आपके पास एक शेयर भी है तो वो शेयर जो है आपके 10 शेयर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए इसका 0.09 है, यानी कि 1 से कम है, कर्जा जो है इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर है। और रिजर्व्स देखिए 4,019 करोड़ का है और टोटल कर्जा जो है इसके ऊपर 439 करोड़ का है। तो डेप्ट अगर देखें तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर है, रिजर्व ही कंपनी के पास इतना है कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो कंपनी इजीली जो है मैनेज कर सकती है। और प्रमोटर होल्डिंग देखिए कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है 81.20% और एक भी शेयर कंपनी का जो है गिरवी नहीं है। अब देखते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की क्वार्टरली किस तरीके से जो है कंपनी ने परफॉर्म किया है। तो सेल्स देखें अगर सेप्टेम्बर क्वार्टर से तो 4,873 करोड़ से 5,451 करोड़ का हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 4,094 करोड़ से 5,451 करोड़ का। तो सेल्स तो बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप 390 करोड़ से 453 करोड़ का है। उसके बाद आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8% का है। नेट प्रॉफिट देखिए आप 226 करोड़ से 257 करोड़ का हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 252 करोड़ से 257। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो कंपनी में जो है ज़्यादा कोई प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का अच्छा है। फंडामेंटली जो है कंपनी अभी तक जो है अच्छा लग रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो सेल्स देखिए 16,481 करोड़ से 18,693 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें अगर हम इसका तो 1,337 करोड़ से 1,560 करोड़ का हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 8% का है। नेट प्रॉफिट देखिए आप 785 करोड़ से 901 करोड़ का है और आप इसका नेट प्रॉफिट जो है मैं आपको बताता हूँ मार्च 2009 से 6 करोड़, 21 करोड़, 41 करोड़, 59 करोड़, 93 करोड़, 160, 211, 318, 483 करोड़, 785 करोड़, 901 करोड़। एक भी साल ऐसा नहीं रहा है जिसमें इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लगातार जो है इस कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में भी ग्रो होने का पोटेंशियल बहुत अच्छी रखती है। तो इस कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो इस कंपनी में SIP मोड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व देखिए और भी बढ़ चुका है, 4,505 करोड़ जो है कंपनी के पास कैश अमाउंट पड़ा हुआ है। टोटल असेट्स देखें तो 6,371 करोड़ का है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल कंपनी का स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन कंपनी में जो है अभी अच्छी खासी जो है गिरावट हुई है। इसका IPO भी लॉन्च हुआ था अभी कुछ ही सालों में, वहां से लेकर जो है इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अब देखिए इस कंपनी का नाम जो है अवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड, इसके सुपर मार्ट्स हैं और इसके सुपर मार्ट जहां भी होते हैं वो रेंटेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कंपनी खुद ओन करती है। तो कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है सीधा सीधा पूरा कंपनी को फायदा होता है। अगर कंपनी को फायदा होगा तो अपने शेयर होल्डर्स को भी अच्छा रिटर्न देने का ये कंपनी जो है पोटेंशियल रखती है। ये देखिए आपको मैं किस लिए बता रहा हूँ, इस कंपनी में एक साल का रिटर्न देखिए जिस तरीके की कंपनी है, और इस कंपनी में लगभग जो है 15% के आसपास जो है गिरावट हो चुकी है। क्वालिटी देखिए आप कंपनी की बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन जो है एक्सपेंसिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए पॉजिटिव चल रहा है,
शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, 21 म्यूचुअल फंड का पैसा लगा हुआ है और 364 एफआईज ने पैसा लगा कर रखा है। और आप इधर देखिए, एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई है, अदर डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है और प्रमोटर होल्डिंग तो बहुत ही शानदार है कंपनी का। कंपनी की सीवी देख लीजिए, 2000 से चलती हुई आ रही है, डीमार्ट जो है 2000 से चलता हुआ रहा है, सभी मॉल्स में लगभग जो है डीमार्ट के स्टोर्स हैं और कंपनी जो है स्टोर्स जो है खुद खरीदती है, उसके बाद जो है उसमें जो सारा रिटेल का जितना भी सामान होता है सब बेचने का काम करती है। तो कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, नंबर वन कंपनी है अपने इंडस्ट्रीज की। और डिविडेंड जो है अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, अगर कंपनी इसी तरीके से चलती रही तो डिविडेंड भी जल्दी ही हमें इस कंपनी में नजर आने वाला है। करंट प्राइस आप देखिए 1269 रुपए का भी चल रहा है। और अब मैं बताता हूँ आपको चार्ट के ऊपर ले जाता हूँ कि चार्ट पर किस तरीके से कंपनी जो है किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं। तो चार्ट पर देखिए, कोई भी अच्छा शेयर हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो और बहुत अच्छी कंपनी हो, तो उसका चार्ट जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मंथली चार्ट पर जरूर लगा कर देखें। तो मंथली चार्ट पर हमने अगर लगा कर देखा तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी कुछ 600 रुपए के आसपास से 2017 में, और उसके बाद जो इसने हाई देखी आप लगभग 1700 रुपए के ऊपर गया, वहां से अब इसमें देखिए पिछले महीने जो है अच्छा खासा जो है करेक्शन आया 1524 से। अब आप यहां देखिए, यहां पर जो है डोजी बनी है मंथली चार्ट पर, ये बनी है, ये लेवल है हमारा 1260 रुपए के आसपास जो है लेवल आ रहा है, 1262 रुपए का लेवल आ रहा है। और अब यहां पर देखिए आप, ये मार्च 2018 का देखिए, यहां पर एग्जैक्टली इस कंपनी ने जो स्टॉक ने जो सपोर्ट लिया था वहां से अपवर्ड मूवमेंट जो है स्टार्ट कर दिया था, और वैसी ही कुछ कंडीशन इस महीने में जो है नजर आ रही है। ये देख लीजिए आप, आज जो है इस स्टॉक में डोजी बनी है और ये स्टॉक जो है यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। तो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो एक महीने या दो महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पैसा, वो लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा पैसा बना के देने वाली है कंपनी। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो SIP मोड में अभी जो है बाइंग करना चालू कर सकते हैं, और उनके लिए जो लेवल्स रहेंगे वो रहेगा, एक तो करंट प्राइस अभी चल रहा है जो, और एक रहेगा 1260 का लेवल, और एक जो अगर वर्स्ट केस में निफ्टी करेक्शन के साथ इसमें करेक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है लॉन्ग टर्म में, तो 1164 पर अगर आ जाता है इस साल के अंदर अंदर, तो आप जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1164 का लेवल जो है आना बहुत ही मुश्किल है। कंपनी जहां तक मेरा नजरिया है वहां तक जो है इस सपोर्ट से ही कंपनी रिवर्सल लेना जो है स्टार्ट कर सकती है। 1260 जो है इसका सपोर्ट था और कंपनी ने आज थोड़ा सा रिवर्स देने का कोशिश किया है, तो कंपनी जो है यहीं से अपवर्ड मूवमेंट दे सकती है। तो ये रहा चार्ट कंपनी का। इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करके फंडामेंटल्स देख के पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्टॉक मार्केट में आपका पैसा कभी डूबने वाला नहीं है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इस तरीके का रिटर्न आपको मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, 1000%, 500%, 2000%, इस तरीके का रिटर्न जो है सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही मिल सकता है, बैंक FD में आपको बिल्कुल ही नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।